हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रूपा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो यहाँ पे गाइस, मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही थी। नाइट स्किन केयर रूटीन, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको आप स्किप ना करें, ज़रूर फॉलो करें। सो टोनर मैं स्किप नहीं करती, दिन में दो बार ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। और साथ ही साथ हमें अपने हाथों को नहीं भूलना चाहिए, है ना, क्योंकि किचन में हमारा बहुत टाइम बीतता है पानी के साथ, तो इसीलिए हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें। और यहाँ पे मैं अपने बालों को बन बना के रखती हूँ और यहाँ पे बैंड भी लगा लूँगी ताकि आगे के काम मैं इजीली कर पाऊँ, बालों से मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों की, हल्की हल्की छींटें ही पड़ रही है, फेस में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और दो दिन बहुत गर्मी पड़ी थी, उसके बाद आज बारिश हुई तो काफ़ी राहत भी हुई है। बहुत ज़ोर की बारिश है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो ड्राइवर्स में मैंने दिए थे बहुत सारी अपनी साड़ियाँ, तो वो सारी साड़ियाँ वापस आ गई है, तो उनको मुझे कबर्ड में अच्छे से रखना है, तो ये रहे। और पैकिंग भी स्टार्ट करनी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो चलो, बहुत सारे काम है तो फटाफट से उनको स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, और कहाँ जा रहे हैं वो आगे के आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे मेरी ड्राइवर्स वाली साड़ियाँ आ गई थी, तो मैंने पहले इनको समेट के मुझे रखना है, उसके बाद मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी। और ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करी है अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो, तो प्लीज़ जाकर के ज़रूर देखिएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा काम की है, और यहाँ पे बहुत ही इजीली मेरी साड़ियाँ इसमें सेट हो गई है आराम से। चार साड़ियाँ मैंने अभी रखी है इसमें, लेकिन इसमें ईजीली 6-7 साड़ियाँ आराम से आ जाएंगी और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो अगर आपको भी परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेक ज़रूर कीजिएगा। तो साड़ियों को मैंने अच्छे से रख दिया है अपने क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज़र में, तो चलो हम अपना पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम अभी जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे, सो इसीलिए ज़्यादातर मैं सूट वगैरह पैक कर रही हूँ। वेस्टर्न भी लेकर के जाऊँगी बट बहुत कम, ज़्यादातर मैं सूट ही लेकर के जाऊँगी इस बार। और यहाँ पे मैं अपने बेटू का भी कपड़ा पैक कर रही थी, अपने बैग में ही डाल रही थी। एक तरफ मैं उसका कपड़ा पैक करने वाली हूँ और एक तरफ मेरा। तो बच्चों का तो गर्म कपड़ा भी डालना ही पड़ता है, कभी क्या मौसम हो जाएगा, क्या वेदर हो जाएगा, कभी पता नहीं चलता है। सो ये है मेरा दूसरा दिन पैकिंग का, एक दिन में तो पैकिंग ख़त्म होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे पैकिंग स्टार्ट कर रही थी अपनी। तो यहाँ पे मैं अपने वेस्टर्न ड्रेसेस निकाल रही थी कि मैं कौन सा लेकर के जाऊँगी। तो ये वाला भी एक क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने मीशो से ऑर्डर करे थे, तो वो भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सो इस तरीके से मैं अपने सारे वेस्टर्न ड्रेसेस को अलग से रखती हूँ ये वाले क्लोज़ेट ऑर्गेनाइज़र में। काफ़ी अच्छा है, चेन वाला है, और अलग से रखने में ये फ़ायदा होता है ना कि जब भी हमें पहनना हो तो हम आराम से ये बैग एक बार ही निकाल ले अपने वार्डरोब से और ढूंढ ले कि कौन सा हमें पहनना है, तो हमारे सारे कपड़े इधर से उधर नहीं होंगे और आराम से हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सो पैकिंग करते करते मैंने सोचा कि चलो कुछ ड्रेस ट्राई कर लेते हैं। तो ये टॉप मैंने मंगाया था नया, तो ये मैं ट्राई कर रही थी इस पैंट के साथ। तो कभी कभी मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए खुद के लिए, और जो खुशी दे मन को वो ज़रूर करना चाहिए। सो चलो वापस अपने काम पे आते हैं और पैकिंग को रीस्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम पैकिंग करते हैं, अगर हमारा माइंडसेट पहले से होता है कि कब हमें कौन सी ड्रेस पहननी है, तो बहुत इजी हो जाता है, हमारी पैकिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो जो कपड़े हमको लेट में पहनना है, बाद में पहनना है, उनको हम नीचे रख सकते हैं, और जो कपड़े हमें पहले पहनना है, जैसे हम जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे पहुँच करके जो कपड़े हमें पहनना है, चेंज करना है, वो हम ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोच करके डालोगे ना अपने कपड़े को, तो बहुत ईजी हो जाता है और आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने कपड़ों को ढूंढने में। और यहाँ पे मैं अपने वेस्टर्न ड्रेसेस को अलग से रख रही हूँ ये कैरी बैग में, ताकि मेरे वेस्टर्न ड्रेस इंडियन ड्रेस से मिक्स ना हो और मुझे टाइम वेस्ट ना करना पड़े अपने वेस्टर्न ड्रेस को ढूंढने में। और दिन भर हम कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टाइम टाइम पर हमें पानी ज़रूर पीते रहना चाहिए।
थोड़ा टाइम हमें अपने बच्चों के साथ ज़रूर स्पेंड करना चाहिए। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ करके टीवी देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे थे। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आज हमें मन किया है दही बड़े खाने का, तो नाश्ता में तो नहीं लेकिन प्रिपेयर करके रखूँगी ताकि जब मन करे हम खा सके। सो यहाँ पे मैंने रात में ही उड़द के दाल को भिगो लिया था, एक मुट्ठी उसमें चावल भी डाला था और उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे उसके छोटे छोटे गोल करके हथेली में ही मैं उसको प्रेस करके गोल शेप दे दूँगी। पानी छू करके करना होता है ये, और ये बहुत अच्छे से शेप में आ जाता है। और ये देखो कितने अच्छे से मेरे बड़े यहाँ पे बन गए हैं, फुले फुले, एकदम सॉफ्ट फुले फुले। तो अच्छे से इनको हम तलेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसके बाद इनको हम निकाल लेंगे। सो गरम गरम ही मैंने इनको पानी में डाल दिया है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अंदर तक। ठंडा होने के बाद पता नहीं ये सॉफ्ट होंगे या नहीं, अच्छे से मुझे नहीं पता, लेकिन गरम गरम डालने से ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मेरी बन रही है खट्टी मीठी सी गुड़ वाली इमली की चटनी, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, और दही बड़े की तो ये जान होती है। सो कैसे लगी आप लोगों की मेरी आज की ब्लॉग, ज़रूर कमेंट में बताना गाइज। लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना, लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मेरी वीडियोस को आगे तक भेजने में बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें पसंद आती है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।